एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में थे। श्रावस्ती के पास से ही एक नदी बहती थी और नदी के उस पार 500 लोगों का एक छोटा सा गांव था। बुद्ध ने सोचा कि इस गांव के लोगों को भी धर्म की देशना देनी चाहिए। यही मन मनाकर भगवान बुद्ध नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए। जब गांव के लोगों को खबर लगी कि भगवान बुद्ध गांव में पधारे हैं, तो सभी लोग उनके दर्शन करने के लिए पहुंचने लगे। गांव के लोग व्यक्तित्व से आकर्षित होकर बुद्ध के आसपास आकर बैठ गए और धर्मोपदेश सुनने लगे। तभी सारिपुत्र को पता चला कि बुद्ध श्रावस्ती में पधारे हैं, उनके दर्शन करने चाहिए, यह मौका है। सारिपुत्र उस गांव में ही गए हुए थे, तो सारिपुत्र जब उस नदी को पार करने लगे, नदी में बहुत उफान था। जिस तरफ से सारिपुत्र आ रहे थे उस तरफ से नदी बहुत गहरी थी। नदी को पार करना नामुमकिन था और न तो कोई नौका थी और न कोई और साधन। लेकिन सारिपुत्र ने संकल्प लिया कि बुद्ध पधारे हैं और बुद्ध के दर्शन न हो पाए, यह कैसे हो सकता है, बुद्ध के दर्शन तो जरूर करने चाहिए। सारिपुत्र नदी के बीचों बीच में पहुंच गए और बीचों बीच में नदी इतनी गहरी थी कि वहां डूबने लगे। लेकिन किसी तरह से हिम्मत करके जैसे तैसे नदी को पार करके भगवान बुद्ध जहां धर्मोपदेश कर रहे थे वहां पहुंच गए। गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए कि नदी को पार करके इस तरफ आना, उस तरफ से जिस तरफ से सारिपुत्र आ रहे हैं, यह तो नामुमकिन है, क्योंकि नदी का बहाव बहुत तेज है और नदी बहुत गहरी भी है उस तरफ से। लेकिन सारिपुत्र के पास समाधान था, श्रद्धा का। श्रद्धा से ओतप्रोत होकर सारिपुत्र बुद्ध तक पहुंच गए, बुद्ध के दर्शन किए, धर्मोपदेश सुने। तब गांव के लोगों ने पूछा कि जहां नौका नहीं थी, कोई और साधन नहीं था, सारिपुत्र ने नदी को पार कैसे किया। सारिपुत्र ने कहा कि मैं बुद्ध के वचन सुनना चाहता था, इसलिए मैं नदी को पार कर सका, क्योंकि मुझ में श्रद्धा थी, श्रद्धा ने ही मुझे नदी पार करके यहां तक पहुंचाया है। तब भगवान बुद्ध ने कहा, सारिपुत्र जो तुम कहते हो तुम ठीक कहते हो, तुम्हारी श्रद्धा जैसी श्रद्धा ही मनुष्य को जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करती है, भवसागर के उस पार पहुंचा सकती है, इतनी गहरी श्रद्धा चाहिए। तथागत ने गांव के लोगों को भी उत्साहित किया ताकि वे दुख पर विजय पा सकें और सांसारिकता के सभी बंधनों को तोड़कर जन्म मरण से मुक्त हो सकें। जब तथागत के प्रवचन संपन्न हुए तो गांव के बहुत से लोगों ने त्रिशरण ग्रहण की और साथ ही साथ पंचशील के नियमों को पालन करने का भी संकल्प लिया। श्रद्धा की बड़ी महत्ता है और आध्यात्म में श्रद्धा के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। श्रद्धा से ही विश्वास पैदा होता है और श्रद्धा से ही ध्यान की तरफ बढ़ा जा सकता है, श्रद्धा से ही आध्यात्म के मार्ग पर चलने का बल मिलता है, अभ्यास करने का बल मिलता है, और अभ्यास करके जब अनुभव होता है तब विश्वास पैदा होता है जो अडोल होता है, जो कभी नहीं डोलता। श्रद्धा में ही जब इतनी ताकत है कि सारिपुत्र ने इतनी गहरी नदी को पार कर लिया,
तो अनुभव के बाद जो विश्वास पैदा होगा वह भवसागर की उस गहराई से मुक्त कर देगा, भवसागर के उस पार तक ले जाएगा। इसके लिए इतनी गहरी श्रद्धा और इतना विश्वास चाहिए।